दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। 24 फरवरी को 90 साल बाद दिखेगा माघ पूर्णिमा का चांद। इन चार राशियों की लगेगी लॉटरी। दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को दिखेगा माघ पूर्णिमा का चांद। इन चार राशि वालों की लगेगी लॉटरी। दोस्तों आपको बता दें कि धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशि में से चार राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों इन चार राशि वालों की इस दिन यानी 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी अब इन चार राशि वालों के घर माघ पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं, जिससे अब इन चार राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन चार राशि वालों के जीवन में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियाँ ही खुशियाँ, जिससे अब इन चार राशि वालों का जीवन और भाग्य बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जिनकी 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये चार राशि वाले इस दिन मालामाल होने वाले हैं। इन चार राशि वालों को इस दिन मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से, लॉटरी लगने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, ये चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जो कि इस दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन करोड़पति बनने वाली हैं, मालामाल बनने वाली हैं। इस वीडियो में आपको हम उन्हीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन चार राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान दान और जप तप का बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को है। आपको बता दें कि माघ माह में चलने वाला यह स्नान बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का यह दिन माघ पूर्णिमा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन और मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों इस बार माघ पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा दिखाई देगा वो अन्य पूर्णिमा में जो चंद्रमा दिखाई देता है उनकी अपेक्षा ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा बड़ा ये चांद दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा का चांद अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बड़ा और चमकीला रहेगा। दोस्तों बता दें कि इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा जरूर करें। रात्रि में एक लोटा जल, थोड़े से चावल डाल लें, थोड़े से कच्चा दूध डाल लें और थोड़े से मिश्री डालकर चंद्रदेव को आप अर्पित करें, अर्ध जरूर दें और ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा दिखाई देगा ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही यानी कि खूबसूरत चांद रहेगा। दोस्तों इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों इस दिन कुछ विशेष धनयोग राजयोग बनने से, जैसे महालक्ष्मी योग और कई भी दुर्लभ शुभ संयोग बनने से कुछ राशियों की लॉटरी लगने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली राशि है जिसकी लॉटरी लगने वाली है, वो है दोस्तों मेष राशि। मेष राशि को बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन आपकी लॉटरी लगेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से धन संपत्ति व्यापार में उपलब्धि प्राप्त होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। धन आने के कई मार्ग आपको मिल सकते हैं। जो कार्य रुकावटों से घिरे थे उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और समस्याएं ये थी जो भी समस्याएं थी दूर होंगी। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। मेष राशि को माँ लक्ष्मी कृपा से धन प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में आपको दुगुना धन लाभ हो सकता है। कारोबार से संबंधित विशेष लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। बता दें कि इसमें जो भी कार्य रुके हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। धन संपत्ति में अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। अब अगली दूसरी
भाग्यशाली राशि जिसकी लॉटरी लगने वाली है माघ पूर्णिमा के दिन, वो है दोस्तों यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के तत्व को बता दें कि अब इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, वैवाहिक जीवन में जो परेशानी थी दूर होगी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान के माध्यम से आपको धन का लाभ होगा, अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकते हैं, लगातार आय में वृद्धि होगी, जो भी आपकी आय रुकी हुई थी या फिर कोई भी कार्य रुका हुआ था उन सभी कार्यों से आपको सफलताएं मिलेंगी और इसमें आपके इनकम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन संपत्ति में आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। बता दें कि इसमें विदेश की यात्रा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी कृपा से आप इसमें घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ होगा और रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होती नजर आएगी, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, भागदौड़ में काफी व्यस्त रहेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब तीसरी भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि को बता दें कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन आपकी लॉटरी लगेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, राजनीति में आपको लाभ होगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, जो कार्य पेंडिंग था अधूरा था उसे पूरा कर सकते हैं, गुप्त रूप से धन आने का सोर्स बढ़ेगा, इसमें आपका कहीं पर अटका हुआ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, माँ लक्ष्मी कृपा से भाई बहनों का साथ मिलेगा, माता पिता के सहयोग से भी धन का लाभ होगा, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, नई जॉब की संभावना है, जॉब नौकरी लगने की संभावना है, साथ ही साथ इसमें विदेश की यात्रा हो सकती है, जो लोग विदेश में काम करते हैं माँ लक्ष्मी कृपा से बहुत ही शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। बता दें मकर राशि को इस बार माघ पूर्णिमा के दिन आपकी किस्मत पलटने वाली है, भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे जिससे आपको विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा, लगातार भागदौड़ में आप काफी व्यस्त रहेंगे और तमाम पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होते नजर आएंगे। अब अगली चौथी राशि जिसकी लॉटरी लगने वाली है दोस्तों वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि को इनकम भी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ भी होगा, जो कार्य अधूरे थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं, धन संपत्ति में तेजी से इजाफा प्राप्त होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, माँ लक्ष्मी कृपा से धन प्राप्ति का लाभ होगा, साथ ही इसमें जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, साथ ही दूर दराज की यात्रा होगी, धार्मिक स्थल जा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे, जिनका विवाह अभी तक तय हुआ वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे। इस बार माघ पूर्णिमा पर कई दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बनने से आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, इसमें पढ़ाई लिखाई पर आपका मन लगेगा, कोई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो लाभ होगा, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, शेयर मार्केट में आपको बहुत ही लाभ होगा, बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको अत्यधिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इन चार राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इस बार माघ पूर्णिमा के दिन बरसेगी, ये चार राशि वालों की लग सकती है इस दिन लॉटरी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ अगर आप लोगों को अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।